नमस्ते दोस्तों, विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला सालोंके आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से बाल राम कथा से राम और सुग्रीव। पाठ का नाम क्या है? राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव, पड़ाव क्या होता है? ठहरने का स्थान। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। पर्वत का नाम क्या है? ऋष्यमुख पर्वत। सुग्रीव वही रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। सहायक यानी सहायता करने वाले। देखो यहाँ पर क्या है? सहायक। सीता की खोज में सहायक होंगे। सहायक यानी सहायता करने वाले। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। शीघ्रता यानी तुरंत, जल्दी से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास, निवास मतलब वह उनका, वो जहां पे रहते थे वह जगह। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। क्या नाम था? किष्किंधा। ऋष्यमुख में वह निर्वासन में, निर्वासन यानी क्या होता है? जिसको देश से निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्वासन या निर्वासित। उन ऋष्यमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मन मुटाव हुआ। मन मुटाव यानी अनबन होना, एक दूसरों के मतों में भिन्नता आना। फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आना पड़ा। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। वह क्या करता था? चौकस। चौकस यानी क्या? सावधान। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर। पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था। पहरा देना मतलब क्या? कि उसके ऊपर ध्यान देना, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाए। गुप्तचर किसको कहते हैं? जासूस। गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे। गुप्तचर यानी क्या है? जासूस होंगे। मुझे मारने आ रहे हैं। सुग्रीव ने तत्काल, तत्काल यानी क्या? तुरंत। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आधमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा। आधमका मतलब यहाँ पर भी
आया हुआ है। मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथ में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। सहमत मतलब एकमत, उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो कह रहे हैं इसमें उन्हें सच्चाई नहीं लग रही थी, इसके लिए वो उनके बात से सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव का भरोसा था। भरोसा यानी क्या? विश्वास। क्या था? भरोसा। भरोसा यानी विश्वास था। उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके थकान मिटाने मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदल कर, भेष मतलब क्या कि उन्होंने अपना रूप बदला, भेष बदल कर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया। शिष्टता किसको कहते हैं? अच्छा व्यवहार। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा आप दोनों कौन हैं, वर में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। आपका भेष, भेष मतलब पहनावा, आपने जिस प्रकार के कपड़े पहने हैं उससे तो आप मुनियों के जैसे लगते हैं, लेकिन चेहरे तो राजकुमार से लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। सहायता यानी मदद की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। विनम्रता मतलब नम्रता के साथ में पूछा। राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत, प्रारंभिक मतलब क्या, शुरू शुरू की बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। भाप लेना समझ लेना, भापना समझ लेना। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। परिचय मतलब जानकारी, इंट्रोडक्शन। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, अपने बारे में बताया, वन में आने का कारण बताया, यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, निर्वासित मतलब देश से निकाला गया। एक अयोध्या से क्या है? निर्वासित है, देश से निकाला गया। दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋष्यमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी, साक्षी यानी क्या होता है? गवाह। दोनों ने अग्नि को साक्षी
यानी गवाह मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा है। साझा मतलब क्या कि हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख को क्या करेंगे, बांटेंगे। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया, बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। हरण करना मतलब क्या, भगा लेना। हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल यानी क्या, कब्जा, चंगुल से छुड़ाने का यज्ञ कर रही थी, यज्ञ यानी प्रयत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण का मतलब क्या होता है, गहने, गोल्ड आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली यानी क्या, छोटी सी गठरी। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। आभूषण मतलब क्या है, गहने। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। नहीं कर सका, मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सांत्वना यानी भरोसा। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूँगा। सहायता यानी क्या है, मदद। मैं हर प्रकार से आपकी मदद करूँगा। रावण का सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश मतलब क्या, पूरा विनाश। सर्वनाश मतलब पूरा विनाश, पूर्ण विनाश। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा मतलब क्या, दुख भरी कहानी। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करना मतलब क्या, मारना, हत्या करना, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। चेष्टा मतलब क्या, प्रयत्न कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे। सुकुमार यानी क्या, सुंदर। राम देखने में सुंदर थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। आश्वासन मतलब कि उन्होंने जो कहा था उस बात पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसे हराना, बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के सात वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। झकझोरना, हिलाना। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के
सातों विशाल वृक्ष एक ही बांध से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर, प्रदर्शन यानी दिखावा, इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, विलंब यानी देर, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो, ललकारना मतलब चुनौती देना, किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए, चिंता करने लगे। युद्ध में बाली को हराना असंभव था, असंभव मतलब संभव नहीं था, इम्पॉसिबल था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। ओट से मतलब क्या, कि पेड़ के पीछे से। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। ललकारना मतलब क्या, चुनौती देना। बाली के क्रोध की सीमा न रही, क्रोध यानी गुस्सा, सीमा न रही मतलब उनको बहुत गुस्सा आया। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध मतलब दो व्यक्तियों की लड़ाई, मल्ल युद्ध दो व्यक्तियों की लड़ाई। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से गूंथ गए, गूंथ जाना मतलब भिड़ जाना। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। भारी पड़ना अधिक बलशाली होना, भारी पड़ना अधिक बलशाली होना, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचा कर भागा, सीधा ऋष्यमुख पर्वत आकर रुका। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, कुपित मतलब क्या, क्रुद्ध था, उनको राम के ऊपर क्रोध आया था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया, समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, कठिनाई मतलब राम का जो प्रॉब्लम था, कठिनाई मतलब संकट, प्रॉब्लम उनके सामने जो था, वे दुविधा में थे। दुविधा मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे, वह दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो, मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था, मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था, चूक यानी गलती, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक यानी गलती नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चिंत है। उसका अंत मतलब एन, निश्चिंत मतलब पक्का है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने
बाली को चुनौती दी। चुनौती मतलब क्या, ललकारा बाली को सुग्रीव का यह साहस, साहस यानी ढाढ़स, यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, प्रयास यानी प्रयत्न किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। क्रोध से उबलना मतलब क्या, बहुत गुस्सा आना, क्रोध से उबलना बहुत गुस्सा आना। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी मतलब कस कस ली थी। वह एक घूसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा, वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारी की गई, आनन फानन तुरंत तत्काल। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने, संबोधन मतलब जिस नाम से वो उसे कहते थे वह नाम बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर वानर राज कहकर संबोधित किया। संबोधित करना मतलब पुकारना। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास मतलब वन में रहने का वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी क्या, इंतजार। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इस बात का आश्वासन दिया था। आश्वासन मतलब उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। राग रंग में उलझ गए, राग रंग में उलझ गए। लंकारोहण मतलब क्या, लंका पर आक्रमण। राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था, राज तिलक के दिन वे वही थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध, क्षुब्ध यानी क्या, व्याकुल थे। क्षुब्ध यानी व्याकुल। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई।
डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष पर उन्होंने क्या की, प्रत्यंचा चढ़ाई, मतलब जो बाण जो रहता है वो रस्सी के ऊपर चढ़ाया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले। तत्काल मतलब तुरंत, इमीडिएटली, तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। निर्देश मतलब आवश्यक बातों के बारे में जानकारी दी। वानर सेना एकत्र करने का आदेश, इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं। वानर सेना एकत्र करने का आदेश, इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण, लंकारोहण मतलब क्या, लंका पर आक्रमण, लंकारोहण मतलब लंका पर आक्रमण की योजना बनी। वानरों को चार टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल आगे चलने वाला दल, अग्रिम दल आगे चलने वाला दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। उचित मतलब क्या, सही है। उचित मतलब क्या, सही, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर उन्हें दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था, चिन्ह यानी क्या, निशान, चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था, विशाल समुद्र, विशाल यानी बहुत बड़ा। उसकी गहराई अथाह थी मतलब क्या, बहुत गहरा। उसकी गहराई अथाह मतलब क्या, बहुत गहरा। लहरों की गरज कंपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। साहस जवाब देना मतलब क्या, हिम्मत हारना। साहस जवाब देना मतलब क्या, हिम्मत हारना। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल
गिद्ध पहाड़ ही के पीछे से निकला, विशाल मतलब बड़ा गिद्ध। वह जटायु का भाई था। संपाती उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हुआ। समुद्र सामने था, विकराल था, विकराल यानी भयंकर था, विकराल यानी भयंकर। उसे कौन पार? उसे कौन पार करेगा? कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था, लक्ष्य यानी गोल, पर विकट था, विकट यानी दुर्गम, पर विकट था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा सपाती उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी, संभव यानी पॉसिबल नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। असमंजस मतलब उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे, वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए, उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र है, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं स्वयं यानी खुद इसका अनुमान, अनुमान यानी क्या, अंदाजा, अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई।